जल्दी हार मत मानो भाई, उसके पास जाओ वरना बाद में पछताओगे। वही तुम्हारा प्यार है, तुम उससे भाग नहीं सकते। जाओ भाई, ये एप्रन ले लो, तुम काफी अच्छी लग रही हो। मैं नहीं चाहता तुम्हारे कपड़े खराब हो जाए। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। क्या हुआ है? सच में बहुत बढ़िया। अच्छा चलो इसे काटना शुरू करो। प्याज यहीं पर है, इसे ऊपर से डालना है, स्प्रिंकल करना है। वो मुझे टीचर बुलाना चाहते हैं। ऐसा मैं करना चाहूंगा। बिल्कुल। अरे वाह, ये चल रहा है, सुपर। अब इसे ऊपर से डालना पड़ता है। वंडरफुल। आप लोग आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ चलते हैं। देखिए, हम इसमें टमेटो डाल देते हैं। कीजिए। लेकिन ये तो नहीं जल रहा है। मिलाओ इसे। हाँ, जल गया, जल गया। ओह नो, ये क्या हो रहा है? हाँ ठीक है, अब तुम चुप हो जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, जल रहा है तो रुको। ओ नहीं नहीं, मैं तो इसे बाहर रखने जा रही थी। पुलिस, ब्रीथ ब्रीथ ब्रीथ, संभालो अपने आप को। सनी मुझे मत छू, मत छूना मुझे अब तुम। सुनो, आई एम सो सॉरी, वो मैं तो बस माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है सनीम, और जितना हो सके ना प्लीज मुझसे दूर रहना, तुम समझी? पोलन, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं नहीं जान, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम यही रुको, क्योंकि छोड़ देगा। अगर तुम चाहो तो एक दो दिन के लिए खाना बना लेंगे हम। हाँ, तुम्हारी बहन जा रही है, उसका ध्यान रखो, यहाँ मत रखो। मेरे घर? क्या वो मेरे घर पर कह रहा था? इसका मतलब क्या है? हाँ मेरे घर। अरे वो कहना क्या, मेरे घर के बारे में बात नहीं कर रहा था, उसका कहना था कि उसका अपना घर। क्या तुम दोनों इतने क्लोज हो? आई मीन ऐसे कैसे इतनी जल्दी? क्या कह रहे हैं आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में बात करने की? हाँ? अरे मैं बस दोस्त के नाते पूछ रहा हूँ, दोस्त हो ना इसीलिए। इससे पहले भी मैं आपके लिए खाना बना चुकी हूँ, आपको याद है मिस्टर जॉन? इसका क्या कनेक्शन है? अरे एक दोस्त के नाते। सने मुझे सच सच बताओ, क्या तुम उसके घर गई थी? मुझे जवाब दो। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? आप तो कहते थे कि आप माउंटेन हाउस पर किसी को आने नहीं देते, पर वो पोलिन वहाँ गई थी, वो दूसरी औरत वहाँ आई थी, ना जाने कितनी सारी औरतें वहाँ गई थी। ओ हानी, वो मुझे नमक पास कर देना प्लीज। सनम, हमें सीरियसली बात करनी चाहिए। ओके? नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, फिलहाल मेरे पास कोई बात नहीं। हम जरूर बात करेंगे, आओ मेरे साथ। नहीं, मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं आऊंगी, और कभी भी नहीं। हम यहाँ से अलग होकर चले जाएंगे, और मैं टैक्सी में चली जाऊंगी, और आपको ना मेरे बारे में इतना सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और एक मिनट, जब हम फ्यूचर में मिलेंगे ना, तो आप वही स्टिक लेके घूमिएगा और मैं वही परफ्यूम लगाऊंगी, और आपको बताया आपकी स्टिक ना ऐसे टूट जाएगी। तो जाइए अपने इंग्लिश प्रिंसेस को जाकर खुश कीजिए, जाइए जाइए उसके पास जाइए। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। जॉन, आप ये क्या कर रहे हैं? चलो जॉन, मुझे प्लीज जाने देंगे आप? जॉन प्लीज मुझे छोड़िए, मुझे घर जाना है। जॉन जान छोड़िए। अरे बाप रे, वो उसे लेकर कहाँ जा रहा है? जान, मैं आपकी ह्यूमन राइट्स में जाकर कंप्लेन करूंगी, सच में। बहुत ज्यादा मुझे जाने दीजिए जान, आपको क्या लगता है आप क्या करें? अंदर चलो। जान, आप ऐसा नहीं कर सकते, दरवाजा बंद मत करिए। मैं नहीं आऊंगी आपके साथ। यार थोड़ी देर मुंह बंद रखो ना। जान देखिए, मुझे अपने घर जाना है। मैं ऐसा कर सकता हूँ, देखो तुम। मुझे जाना है। मुझे लगा कि सब खत्म हो गया, फिलहाल तो मौसम भी बदल गया, पर तुम एक ही चीज की रट लिए जा रही हो। तुम कह रही हो कि छोड़ो मुझे जाने दो, एक ही चीज बार बार, अब बहुत हो गया ना। कुछ और भी बात करो, जैसे देखो मौसम या कुछ। हाँ, और प्लीज मुझे अभी घर जाना है। मैं नहीं जाने दूंगा। अब हम यहाँ से कोई ऐसी जगह जाएंगे जहाँ तुम और मैं मिलकर बात कर सके। मुझे जाना है। नहीं, मुझे जाना है। नहीं, और तेज चलाओ, वो दूर जा रहे हैं, देख नहीं रहे हो? मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ऊपर वाले, मुझे तो यकीन ही नहीं होता जान ऐसा कैसे कर सकता है, मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ। देखो, उसे किडनैपिंग कहते हैं, डे टाइम किडनैपिंग कहते हैं उसे। अगर उसे सनम को हार्म किया तो क्या होगा? क्या बकवास कर रहे हो, जान ऐसा आदमी नहीं है, समझे? तुम उसे फिर भी डिफेंड कर रही हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। सामने ही है। मुझे तो नहीं दिखा दे रही,
हे ऊपर वाले, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मुझे नहीं पता, शायद वो दूसरे रास्ते गए होंगे। ओके, कम से कम मुझे ये बताइए कि हम कहाँ जा रहे हैं। खुद ही देख लेना ना। आपको क्या लगता है, कोई मेरी परवाह नहीं करता? मुझे मेरा फोन वापस दीजिए। नहीं, नहीं नहीं, कोई फोन यूज नहीं करेगा। मेरी अपनी बहन है जो मेरी बहुत परवाह करती है, मैं उसे फोन लगाऊंगी और उसे सब कुछ बता दूंगी। मेरी अपनी फैमिली है और मेरा पूरा मोहल्ला है, अगर उन्हें पता चल गया ना तो वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। सरम, तुम हर बार अपनी फैमिली मोहल्ले वालों की बात क्यों करती रहती हो मेरे सामने? हम दोनों ग्रोन अप्स हैं यार, थोड़ा शांति रखो, मिलकर सॉर्ट आउट कर लेंगे ना बात को, प्रॉब्लम क्या है? मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है जान। मतलब मुझे गलतफहमी हुई कि तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं, अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है। अगर ऐसा हुआ तो हम बात करते हैं। मेरे ढेर सारे प्रॉब्लम्स हैं। हम करेंगे बात। नहीं करेंगे। हम करेंगे बात और हमारे बीच अब यही चलता रहेगा, बात करेंगे नहीं करेंगे। तुम फालतू में बात को बढ़ा रही हो। हाँ, नहीं करेंगे। वो फोन नहीं उठा रहा है। और सनम को भी। कोई मसाफ चल रहा है क्या? ठीक है, मैं एमरी को कॉल करती हूँ, वो जानता होगा कि जान कहाँ जा रहा है। कॉल करो वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगा। ओ एमरी, फोन उठाओ प्लीज। मैं भी आपसे कितनी बार कहना चाह रही थी कि मैं कॉम्पेंसेट करूँ, ये भी हमारे रिलेशन के बारे में ही था ना, मतलब मैं बचाने की कोशिश करी थी, लेकिन आप तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, आपको तो अपनी लंबी टांगों वाली पोलन दिखाई दे रही थी। नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा सनम। ओके, वो आपके लिए एक्सेलेंट हो सकती है, आई बिलीव इट, आई एक्सेप्ट इट। कितना ओके और एक्सेप्ट करूँ, मैं ऑलरेडी बहुत कुछ एक्सेप्ट कर चुकी हूँ और अब मैं खुद को समझा भी चुकी हूँ कि सनम अब आगे बढ़ना है, लेकिन जान डेविड उन्हें तो ये अच्छा नहीं लगता। वो तो मुझे कार में आलू सामान उठाकर फेंक देते हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो मुझे क्या बताने वाले हैं? देखा जाए तो वैसे ये इतना बुरा भी नहीं है, देखो कितना कुछ कह रहा तुम्हें मुझसे, है ना? अच्छा, इसका क्या मतलब है? अरे अभी अभी तो तुम मुझसे कह रही थी कि तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है और अब देखो ना कितना बोल रही हो तुम। मैंने तो आपसे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, आप ही नहीं आना चाहते थे मेरे साथ बात करने के लिए। पर तुम अभी भी बात कर रही हो, देखो ना वो बात कर रही है। ओह सच में? हाँ, आई अंडरस्टूड। मैं बस ये कह रहा हूँ कि हम बात करते हैं, मुझे और कोई झगड़े नहीं चाहिए हमारे बीच।